Phronesis Investor Academy के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिटेल कंपैरिजन करूंगा बिटवीन एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड, और इस डिटेल कंपैरिजन के दौरान हमें ये दो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी। फर्स्ट, क्यों स्मॉल कैप फंड्स काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, एंड सेकेंड, जो गुड परफॉर्मिंग एक्टिव फंड्स हैं वो क्यों इंडेक्स फंड से काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डिटेल्स ऑफ दीज टू फंड्स। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 8400 करोर्स, और SBI स्मॉल कैप का AUM है अबाउट 11200 करोर्स। एक्सिस स्मॉल कैप का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250, जबकि SBI स्मॉल कैप का बेंचमार्क है S&P BSE 250 स्मॉल कैप। SBI स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सिस स्मॉल कैप। ना हम इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर चेक करेंगे, जिससे हमें इन दोनों फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल का पता चलेगा। इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो पी काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंड्स मोस्टली वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका पी काफ़ी ज़्यादा होता है, और रिलेटिवली वैल्यू स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। और साथ ही इन दोनों फंड्स का एनुअल टर्नओवर भी 20% एंड 31% है, जो कि ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंड्स मोस्टली बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, दैट इज़ अपने पोर्टफोलियो में ये अपने स्टॉक्स का ज़्यादा बाय या सेल नहीं करते हैं। नाउ हम इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन। एक्सिस स्मॉल कैप ने अक्रॉस ऑल 3 होराइजन दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है, जबकि SBI स्मॉल कैप फंड लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड ये दोनों ही एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं, और इन दोनों ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। तो अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क दैट इज़ अपने इंडेक्स को कभी भी बीट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग एरर एंड एक्सपेंस रेशियो। नाउ हम इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक इंडियन स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 उस समय लास्ट 1 ईयर का अगर आप बेंचमार्क रिटर्न देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप का बेंचमार्क जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 है वो 46.65% गिरा था, जबकि SBI स्मॉल कैप का बेंचमार्क जो कि है S&P BSE 250 स्मॉल कैप वो 36.29% गिरा था, जबकि उस समय एक्सिस स्मॉल कैप फंड सिर्फ 13.1% गिरा था और SBI स्मॉल कैप फंड सिर्फ 22.07% गिरा था। सिमिलरली अगर आप 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स का भी रिटर्न्स देखें बेंचमार्क का, तो उस समय भी बेंचमार्क ने निगेटिव रिटर्न्स दिया था, जबकि इन दोनों फंड्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिया था। और उस समय का अगर आप SBI स्मॉल कैप का 10 ईयर्स का रिटर्न्स देखें तो रिटर्न्स था 14.25%, जबकि बेंचमार्क ने रिटर्न दिया था सिर्फ 2.13%। उस समय भी इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इन दोनों फंड्स ने एक्सलेंट डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंड्स एज कम्पेयर टू देयर बेंचमार्क्स काफ़ी कम गिरे थे। यहाँ पर अगर आपने इन दोनों एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स की जगह किसी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया होता तो इंडेक्स फंड्स भी अपने बेंचमार्क दैट इज़ अपने इंडेक्स के आसपास ही करेक्ट होते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो करेक्शन काफ़ी बड़ा करेक्शन होता।
जब हम इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स को चेक करते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020, तो हमें एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज पता चलती है, और वो ये है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। उस समय अगर आप इन दोनों फंड्स के बेंचमार्क का रिटर्न देखें तो बेंचमार्क काफ़ी ज़्यादा गिरा था। ऑल्दो एक्सिस स्मॉल कैप एंड SBI स्मॉल कैप रिलेटिवली कम गिरे थे, लेकिन अगर आप दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो उस समय लास्ट वन ईयर में ये स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। दैट्स वाई जब भी आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्टॉक मार्केट्स में कोई मेजर करेक्शन आएगा तो आपका फंड्स इवन 30-40% तक गिर सकता है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। ये दोनों फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, दैट्स वाई इनका स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है, जबकि इन दोनों फंड्स का बीटा अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर 1 से काफ़ी कम है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल स्मॉल कैप कैटेगरी में ये दोनों फंड्स रिलेटिवली कम रिस्क लेते हैं, और अगर आप इन दोनों फंड्स के शार्प रेशियो को देखें तो 3 ईयर में इन दोनों फंड्स का शार्प रेशियो 1 से भी ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और साथ ही इन दोनों फंड्स का अल्फा भी अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर अच्छा है। सो ओवरऑल रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर वाइज इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन अच्छा है, लेकिन रिलेटिवली एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। मार्केट कैप एलोकेशन वाइज इन दोनों फंड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों फंड्स ने मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों तरह के मार्केट कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में भी अबाउट 6% का एक्सपोजर लिया है, जबकि SBI स्मॉल कैप फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इन दोनों फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन में एक और सिग्निफिकेंट चीज़ हमें पता चलती है, दैट इज़ एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने करेंटली इक्विटीज़ में अपने टोटल एसेट का सिर्फ 89.62% इन्वेस्ट किया है, जबकि SBI स्मॉल कैप फंड ने इक्विटीज़ में अपने टोटल एसेट का सिर्फ 91.28% इन्वेस्ट किया है। सो इन दोनों फंड्स ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 9-10% कैश में रखा है, दैट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म डेट पेपर्स में इन्वेस्ट किया है। जब भी कोई फंड कैश में काफ़ी बड़ा एलोकेशन रखता है तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि वो फंड ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में और भी करेक्शंस आ सकते हैं, और जब भी मार्केट में कोई अच्छा करेक्शन आएगा तो ये फंड्स काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे अपना इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। नाउ हम दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। एक्सिस स्मॉल कैप का मेजर इन्वेस्टमेंट जिन सेक्टर्स में है वो है कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, टेक, हेल्थ केयर एंड फाइनेंशियल, जबकि SBI स्मॉल कैप ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एक्सपोजर लिया है वो सेक्टर्स हैं इंजीनियरिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज एंड मेटल्स। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने कंस्ट्रक्शन एंड केमिकल सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 36%। सिमिलरली SBI स्मॉल कैप फंड का भी अगर आप केमिकल, कंस्ट्रक्शन और मेटल सेक्टर का ओवरऑल एक्सपोजर देखें तो वो भी अबाउट 31% है। कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स एंड मेटल सेक्टर्स रिलेटिवली रिस्की सेक्टर्स माने जाते हैं। नाउ हम इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। SBI स्मॉल कैप फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, बिरला सॉफ्ट, टाटा एलेक्सी एंड नारायणा, जबकि SBI स्मॉल कैप फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं एल्गी इक्विपमेंट्स, सीला फोम, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, ब्लू स्टार एंड JK सीमेंट। इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में अपने टोटल एसेट का सिर्फ 37% इन्वेस्ट किया है, जबकि SBI स्मॉल कैप फंड ने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में अपने टोटल एसेट का सिर्फ 32% इन्वेस्ट किया है। नाउ इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करेंगे।
इन दोनों फंड्स में 13 कॉमन स्टॉक्स हैं। सो ओवरऑल इन दोनों फंड्स का टोटल परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप अबाउट 20% का है, जो कि ऑफ कोर्स ज़्यादा नहीं है। सो ओवरऑल इन दोनों फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो वन फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना सफिशिएंट होगा। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ये क्वाइट क्लियर है कि इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छा है और साथ ही इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो भी अच्छा है और वेल डाइवर्सिफाइड है। इससे हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में भी इन दोनों फंड से हम अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही इन दोनों फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल में भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों फंड्स का अगर आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग देखें या फिर एनुअल टर्नओवर देखें या फिर मार्केट कैप एलोकेशन देखें या फिर सेक्टर एलोकेशन देखें तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो बेसिस योर इन्वेस्टमेंट होराइजन, रिस्क एपेटाइट एंड कम्फर्ट आप किसी भी एक फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स जनरेट करते हैं, लेकिन साथ ही ये फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हैं। दैट्स वाई अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका रिस्क एपेटाइट एग्रेसिव हो और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कुछ एक्टिवली मैनेज फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है लॉन्ग टर्म में। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ इंडेक्स फंड, ये एक्टिवली मैनेज फंड्स ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।